हाय बच्चों, कैसे हो? बहुत दिनों के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है अपने चैनल इंग्लिश क्लासरूम एक्सेलेंस लर्नर में। और आज हम लोग डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं एक पोएम जिसका नाम है द कोल्ड विधि। यह पोएम जेम्स पैट्रिक कैनी के द्वारा लिखा गया है। आप लोगों ने नाम सुना होगा, पोएम को पढ़ा भी होगा। जेम्स पैट्रिक कैनी एक अमेरिकन पोएट थे। जिस समय इन्होंने इस पोएम की रचना की थी, इनके पोएम को लोगों ने रिजेक्ट कर दिया था। कारण था कि जेम्स पैट्रिक कैनी, यही है जेम्स पैट्रिक कैनी। जेम्स पैट्रिक कैनी मेन रूप से एक व्यंगात्मक कवि रहे हैं। ही वॉज ए सार्कास्टिक पोएट। और आपको पता ही है कि जो बात सार्केस्टिकली कही जाती है, हम उसे साधारणतः एक्सेप्ट नहीं करते। दैट्स व्हाई एट द वेरी बिगिनिंग हिज पोएम द कोल्ड विद इन वॉज रिजेक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। बाद में इनकी पोएम को लोगों ने सराहा और काफी पॉपुलरिटी गेन की इनकी इस पोएम द कोल्ड विद इन में। सबसे पहले मैं आपको इस पोएम की थोड़ी बहुत आउटलाइन बता दूं कि पोएम है क्या, है इसमें क्या कुछ लिखा गया है। इस पोएम के जो नरेटर हैं वो एक औरत है और वह कहानी बता रही है छह लोगों की। वे जो छह व्यक्ति इसमें हैं जिसके साथ हम लोग मिलेंगे, वे भिन्न भिन्न बैकग्राउंड के हैं। कोई उसमें अमीर है, कोई गरीब है, कोई उसमें चर्च से रिलेटेड है। तो इन तरह के छह भिन्न भिन्न कैरेक्टर को हमारे सामने लाया गया है और यह साबित करने का प्रयास किया गया है, या बताने का प्रयास किया गया है कि मनुष्य के अंदर जो या निगेटिविटी होती है, किसी के प्रति शंका या अपना जो एक दंभ, घमंड, सेल्फिशनेस, प्रेजुडाइस, सस्पिशियस क्वालिटी, दे ऑल हैव बीन हाईलाइटेड इन दिस पोएम वेरी मास्टरली एंड स्किलफुली। तो वे जो छह व्यक्ति मिलते हैं अचानक किसी भी संजोगवश एक ठंडे भरी दिन में, उन सभी के हाथ में लाठियां हैं। लाठी, आपको पता ही है कि जिस देश में हिमपात होता है, स्नोफॉल होता है, वहां के लोग जब टहलने के लिए निकलते हैं तो अपने हाथों में छड़ी रखते हैं ताकि वे फिसलन वाली सड़क पर चल सकें और जरूरत पड़े तो यह भी पता लगा सकें कि कहां पर गैप है और कहां पर रोड है। तो छड़ी उनके लिए काफी लाभदायक होता है। तो सभी के हाथ में छड़ी है और वे ठंड से बचने के लिए, एक जो आग वहां पर जल रही है, जो बुझने की कगार पर है वह आग, उसके किनारे बैठ जाते हैं अपने आप को इस ठंड से बचाने के लिए। लेकिन आग को लगातार जलाने के लिए किसी न किसी ईंधन की आवश्यकता होती है और वह आग, यहां पर लिखा है, आप देखेंगे पोएम में, डाइंग फायर। वह आग बुझने को है और इस बुझती हुई आग को बचाने के लिए लकड़ी या ईंधन की आवश्यकता होगी। सभी के हाथ में लकड़ी है छड़ी के रूप में, लेकिन हर एक व्यक्ति छड़ी को पकड़े पकड़े मर जाता है। कोई भी इस बुझती हुई आग में अपना छड़ी देने के लिए तैयार नहीं है, भले ही उनकी जान क्यों न चली जाए। तो इस पोएम में मनुष्य के अंदर की जो यही जेलसी है, जो उसके अंदर का यस प्रिजिडियाइस है, इस तरह की जो निगेटिविटी की जो भावनाएं हैं उसे उजागर करने का प्रयास किया गया है। आइए अब हम पोएम को लाइन बाय लाइन देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं इसके अंदर की बातों को। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। सिक्स ह्यूमन ट्रैप्ड बाय हैपन स्टैंस इन ब्लीक एंड बीटर कोल्ड, ईच वन पजेस्ड ए स्टिक ऑफ वुड और शो दिस स्टोरी इज टोल्ड। सो दिस स्टोरी इज टोल्ड बाय एन वुमेन
she tells us that there were six people and they all were trapped by an happenstance. Happenstance means by an coincident. So coincidentally, six people, six human beings are trapped when there was bleak and bitter cold. I want to give the simple meaning of this first stanza. It says that six human beings coincidentally trapped in bleak and bitter cold, and each one possessed a stick of wood. तो छह व्यक्ति मिलते हैं आपस में एक जगह, कब? एक कठिन ठंड भरे ठंड के समय, और हर एक के हाथ में एक छड़ी होती है. अगेन वी शुड प्रोसीड इन द नेक्स्ट स्टेंजा. दे आर डाइंग फायर इन नीड ऑफ लॉक्स. द फर्स्ट मैन हेल्ड हिज बैग फॉर द फेस राउंड द फायर. ही नोटिस्ड He one was black. See here, their dying fire. Fire is for all, because each and everyone protecting their life from this bleak and bitter cold with this fire. So fire is for all. That's why here the poet has used their dying fire. But this fire is about to die. This fire needs wood to be continue. So the first man held his hand back. It means that the first man had tried to put his logs, means stick, in the fire. But in the fire, when he see the face of a black man, he thinks that his benefit, his sacrifice should not be benefited by the black man. Definitely, the man was white. And in that country means in America and some European country, there is a racial class between black and fair, black and white. So, seeing that the man amongst them, one is black, he held his head back. दूसरे स्ट्रिंजा में क्या कहा है पोएट ने कि जो ही एक व्यक्ति उस लकड़ी को आग में देने के लिए जा रहा था, he held his hand back, उसने अपना हाथ खींच लिया, पीछे कर लिया, for the face round the fire, he noticed was black. उसने देखा कि उस आग के चारों ओर जो बैठे हुए लोग हैं, उसमें से एक ब्लैक है. तो इस स्टेंजा में पोएट ने ब्लैक एंड व्हाइट के बीच का जो क्लैश है, उसको हाईलाइट करने का प्रयास किया है. नोइंग दैट द फायर नीड्स वुड, वन वॉज रेडी टू give his lock into the fire, but seeing that there was a black man around the fire, he held his hand back. Right? तो आगे देखते हैं पोएम में क्या होता है. The next man looking across the way saw one out of his church and could not bring himself to give the fire his stick of birch. उसमें से दूसरा व्यक्ति के बारे में अब कहानी बता रहा है कि हमें लेटर बता रहा है कि दूसरा आदमी जो है वह फायर में अपने लॉक को देने के लिए रेडी हो रहा है. But all of sudden he noticed that the man amongst them is not of his church. Not of his church यहां पर बता रहा है कि वह उसके जाति का नहीं था, है ना. हो सकता है वह other than Christian कोई रहा हो.
तो ज्यों ही उसने अपना लॉक देना चाहा, उस डाइंग फायर में, कि उसके सामने एक बात आ गई कि यहां पर दूसरे जाति वाला लोग है, दूसरे संप्रदाय, दूसरे धर्म को मानने वाला लोग है. दैट्स व्हाई ही स्टॉप्ड हिमसेल्फ थिंकिंग दैट the other man that is not related to church should not be benefited of his sacrifice, right? तो पहला व्यक्ति मुझे मिला वो ब्लैक था, और व्हाइट ने जो लॉक देने के लिए तैयार था उस ब्लैक को देखकर फायर में नहीं दिया अपने लॉक को. दूसरे स्टेंजा में लेखक बता रहे हैं कि other was not related to church, that's why the man that was related to church stopped himself to put his lock into the fire. Next stanza. The third one sat in tattered clothes. He gave his coat a hitch. Why should his lock be put to use to warm the idle rich? In the very third stanza, we introduce to a man who is poor. Who is poor, this line indicates he is in the tattered cloth. Uske kapde phate chite hain. And he try himself to protect by his coat. He was going to put his log into the fire, but knowing that here is some person who is rich, so he stopped himself. वो जानते हुए कि यहाँ पर एक धनी व्यक्ति भी है, और धनी और निर्धन के बीच में there was always a class between poor and rich, he stopped himself and held his hand back. In the very next stanza, the rich man just sat back and thought of the wealth and he had in store, and how to keep what he had earned from the lazy, shiftless poor. अगले स्टेंजे में हमें बता रहे हैं पोएट कि एक रिच पर्सन है जो यह सोचता है कि कितनी मेहनत से उसने बनाई है अपनी संपत्ति, ऑफ वेल्थ ही हैड स्टोर्ड, और उसकी नजर में यह जो पुअर मैन है वह क्या है, द लेजी शिफ्टलेस पुअर. पुअर्स आर ऑलवेज लेजी बिफोर द आई ऑफ ए रिच मैन. ही थिंक्स दैट दिस पुअर हु हैज ऑलवेज killed his time in his laziness, and on the other hand, he has stored his wealth and riches by the virtue of hard work. So, his benefit, his sacrifice should not be benefited by this shiftless poor, and he himself held back. So again, this person failed to put his law into the fire. In the next stanza, the black man's face bespoke revenge as the fire passed from his sight. For all he saw, his sticks of wood was a chance to speed the white. The black man's face bespoke revenge as the fire passed from his sight. For all he shot, his stick of wood was a chance to speed up a fight. उस काले व्यक्ति ने देखा कि आज वो अपना रिवेंज ले पा रहा है वाइट से, जो ताजिंदगी उसे सताते आया है, उसे उसके ऊपर शासन करते आया है, उसे अच्छा लग रहा था कि उसका जो है रिवेंज आज काम कर रहा है.
द लास्ट मैन ऑफ दिस फॉरलॉर्न ग्रुप. बड़ा सुंदर सा लाइन लिखा है यहाँ पर पोएट ने, फॉरलॉर्न ग्रुप. जब ग्रुप है तो फिर फॉरलॉर्न नहीं होगा, जब फॉरलॉर्न है तो ग्रुप नहीं हो सकता. इट इज एंटीथेसिस, इट इज अ लिटरली डिवाइस दैट वाज दैट हैज बीन यूज्ड हियर बाय द पोएम बाय द पोएट. इन फैक्ट द लास्ट मैन ऑफ हिज फॉरलॉर्न ग्रुप डिड नॉट एक्सपेक्ट ऑफ गेन, गिविंग ओनली टू दोज हु गेव वाज हाउ ही प्लेड द गेम. इस ग्रुप का सबसे अजूबा सा व्यक्ति है यह व्यक्ति, ने क्या कहा, उसी को केवल हेल्प कर सकता है जिससे उसे हेल्प मिलने की संभावना है. बड़ा कैलकुलेटिव सा व्यक्ति है. द लास्ट मैन ऑफ दिस फॉरलॉर्न ग्रुप डिड नॉट एक्सपेक्ट फॉर गेन, गिविंग ओनली टू दोज हु गेव वाज हाउ ही प्लेड हिज गेम. सो एंटायर लाइफ दिस पर्सन हैड lived a calculated life, right? So, उसने बड़ा नफा नुकसान देखकर ही वह कोई निर्णय लेता था, और इसलिए वह यह सोच रहा है कि यदि मैं अपना लॉग इस अग्नि में डाल दूं, if I put my stick in this dying fire, what gain I will get? Because we know that he was a very calculative person, he stopped himself, held his hand back, and did not put his stick into the fire. Their lock held tight in death's steel hand was proof of human seeing. They did not die from the cold within, they did not die from the cold without, they died from the cold within. The poet concludes in the last stanza that they all lost their life, not only due to the cold that was outside, they lost their life due to the cold that was within. Cold means, again I say, all the negativity. So hum logon ne is poem mein dekha ki bahar ki thand se unki maut nahi hoti hai, balki ve unki maut hoti hai apne andar ki is vichar se. So that's all was about the poem. Now let's start and discuss some literary device that has been used here. The rhyming scheme of the poem is A, B, C, B. So the rhyming scheme of the poem is A, B, C, B here. And